लालकुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे पवन चौहान का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। वे विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। आज जनसंपर्क अभियान के दौरान लाइव टीवी से उनकी वार्ता हुई। चुनावी फिजाएं रंगत बिखरने लगी है। सूबे की वीआईपी सीट माने जाने वाली लालकुआ नगर में भी चुनावी रंगत दिन प्रतिदिन बिखरने लगी है। चुनावी तिथियां नजदीक आते ही हर राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पवन चौहान जी ने भी विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क कर अपनी विचारधाराएं जनमानस के बीच में रखी हैं। और इस समय चौहान जी लाइव टीवी से रूबरू हैं। आइए मिलते हैं चौहान जी से, बात करते हैं। चौहान जी लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चौहान जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? बहुत मुद्दे हैं और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो वास्तव में आज उनकी बहुत जरूरत है, वो हल होने ही चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का जी। बेरोजगारी इतनी बुरी स्थिति में है कि हमारे युवा रास्ता ना भटके, उनको रोजगार मिलना चाहिए, गलत रास्ते पर ना जाए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगारी का। और दूसरा, हमने वायदा किया है कि हम नगर पंचायत का सीमा विस्तार करवाएंगे। हमने वायदा किया है कि बिंदु खत्ता राजस्व गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में ला करके हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ चोर गलिया जब जाते हैं तो शेर नाले पर जब पानी आ जाता है तो बहुत बुरी स्थिति होती है, तो वहाँ फ्लाई पुल बनना ही चाहिए, वो बनवाएंगे। हाथियों का व्यापक बहुत दिक्कत है किसानों को, उसका इंतजाम करवाएंगे। और बिजली पानी सड़क के मुद्दे तो महत्वपूर्ण है ही, वो हमेशा करेंगे ही। चोरगलिया को लेकर भी हम बहुत महत्वपूर्ण, हमने एक एक चीज को आकलन कर रहे हैं और अपना मैनिफेस्टो हम तैयार कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में सब चीजों को रखा जाएगा और हम हर हाल में इन समस्या का निवारण करेंगे। अच्छा, ये जीत की ओर है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सशक्त दावेदारी से सुना गया है कि कई राजनीतिक दल सत्ते में है, क्या आपसे इस बारे में उन्होंने कोई वार्ता करी है? नहीं नहीं, अब आखिरी दिन क्या वार्ता करते हैं, और वार्ता भी करते तो मैं क्या समझौता करता? क्या मैं कुछ सौदा पट्टी करके अपने लाभ देख करके मैं बैठ जाता? जो लोग मेरे लिए मर रहे थे, जो लोग मेरे लिए चल रहे थे, जिन लोगों ने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया था, उनका अपमान होता, इसलिए मैं क्यों बैठूं? अच्छा, इसका भी मेरा संदेश ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एक बागी को जो पार्टी से निष्कासित थे, जिन्होंने सगे भाई को नहीं बख्शा, ऐसे व्यक्ति ने को टिकट दिया है, भाजपा इसकी सजा भोगेगी। जो अपमान किया कार्यकर्ताओं का, और कांग्रेस ने एक महिला का अपमान किया, इसलिए कांग्रेस भी भोगेगी। और हम लगभग 10,000 वोटों से माननीय हरीश रावत जी को चुनाव हराने जा रहे हैं। अच्छा, आप अपनी सीधी टक्कर सूबे के पूरे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से मानते हैं?